Hello, my dear learners. Hope all of you are fine at your home. I am your geography teacher, Mrs. Manpreet Kaur, your California Public School. Yes, dear kids, we are doing the 8th class, 6th chapter, Asia, the largest continent, in which we have to discuss about the location and the physical features. So today we have to discuss about the physical division of the Asia. Physical divisions of the Asia. As we know all of that, Asia is the largest continent, and here are the high mountain ranges, vast plateaus, extensive lowland area, fertile river valleys, and many other things we have to find it in the Asia. So we can broadly divide the Asia into the following physical divisions: northern lowlands, central highlands, southern plateaus, river basins, and islands groups. In these we have to divide the Asia. So in today's video we have to discuss about the northern lowlands and central highlands. These two topics we have to discuss in the today's video. So let me start. Northern lowlands. Northern lowland area we have to find in the, that is the around the Arctic Ocean, and extend from the Ural Mountains in the west to the Lena River in the east. अपर साइड से, ठीक है, अरेबियन सी इस साइड से, ये वाला पार्ट जो है हमारा सारा, डेट कम्स इनटू द नॉर्दर्न लोलैंड एरिया. दीज लोलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट. वेस्ट में थोड़े से ज़्यादा वाइडर हैं एज कम्पेयर टू द ईस्ट, ईस्ट में थोड़ी से कम है. एंड डिवाइडेड इंटू टू प्लेन्स, सबेरियन प्लेन्स एंड तुरान प्लेन्स. सबेरियन एंड तुरान, और ये हमारे आगे सबेरियंस और इस साइड आगे हमारे तुरान. अब सबेरियन प्लेन्स कौन सी हैं? सबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टीन्यूस लो लैंड इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लंबा लो लैंड एरिया, प्लेन एरिया वी हैव टू कॉल इट द. एंड दिस रीजन हैज़ बीन फाउंड बाय द रॉक सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स. जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं उनसे ये रॉक सेडिमेंट्स लेकर आते हैं और उनसे हमारी ये बनी है. जैसे रिवर्स हैं ओबी, यांसी, लीना. ओबी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट यांसी, ये रही ओबी, यांसी, एंड नेक्स्ट वन इज द लीना. सो दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल, सेंट्रल एशिया से ये ओरिजिनेट होती हैं, एंड फ्लो इनटू द आर्टिक, और अपर साइड ये आर्टिक ओशन में इनका एंड होता है. एंड दीज रिवर्स आर फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर, विंटर सीजन के ये फ्रोजन होती हैं. एंड इट्स कॉजेज द स्वैम्प्स एंड मार्शी एरियाज दे हैव टू बी कॉज. स्वैम्पी और मार्शी एरिया ये कॉज करते हैं. नेक्स्ट इज द तुरान प्लेन्स, इज मेनली अराउंड द अराल सी. अराल सी और वेस्टर्न पार्ट में हमें मिलते हैं. एंड दिस प्लेन रीजन अम्मू डायर और साइड डायर रिवर से बनती हैं. एंड दीज आर द टू रिवर्स फ्लो इन टू द अराल सी में फ्लो करती हैं और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ये बनाती हैं. तुरान प्लेन्स हैं जो मेन सी लेवल से नीचे हैं, दे हैव टू बी लो देन द मेन सी लेवल. सो नेक्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स. नेक्स्ट पार्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स. दिस रीजन हैज़ द हाई माउंटेन एंड प्लेट्यू. यहाँ पर माउंटेन रीजन हाई है और प्लेट्यू रीजन टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न लोलैंड्स के साउथ पर है. और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा यंग फोल्ड माउंटेन्स वी हैव टू फाइंड इट और अ लार्ज प्लेट्यूज वी हैव टू फाइंड इट. सो सेंट्रल हाईलैंड्स में हमें कॉन्टीन्यूस बेल्ट है फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बनी हुई है, अक्रॉस द पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है. इसमें आती है हमारी पमीर नॉट इज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पर आती है पमीर नॉट. मैनी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो इसी डायरेक्शन में ओरिजिनेट होते हैं, जैसे हिमालयन रेंज, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज, दैट इज आल्सो फाउंड इन द एशिया. एंड दीज माउंटेन रेंजेस इनक्लोजेस द हाई प्लेट्यूज, और इन माउंटेन रेंजेस के आसपास जो प्लेट्यू रीजन है that is also the high. Next, towards the northeast, northeast की साइड पर तान श्यान रेंज है जो साउथ वेस्ट की तरफ जाती है. हिमालयास, कोरंकरम रेंज वहाँ पर हमें मिलती हैं.
Himalayas and the Karakoram ranges, we have to find it. Next one is the Kulan range, south of the Tian Shan range hai, aur yahan par jo plateau of Tibet hai, Kulan aur Himalayan ranges ke center mein aata hai. Aur Tarsan Basin north ke aate hai Tian Shan par, Gobi Desert aa jata hai hamara east north east side par. Yablami and Stornami, these are the ranges in the extreme of the northwest side ke bilkul upar chali jati hain. So next is immediately to the west. Agar hum Pamir Nord ke west par dekhenge, Hindu Kush, Suleiman Mountains aate hain. Agar westward side jayenge, to Elbrus aur Zagros ranges aati hain. And these mountain ranges radiate Aramana Knot milta hai hame. And plateaus of Iran between these ranges mein aata hai. Further westward side, Pontanic and the Taurus ranges hame milti hain. Aur Asia Minor hame milta hai in dono ranges ke बीच में, पेटोनिक और तुरस रेंजेस के बीच में. सो डैट इज द सेंट्रल लोलैंड एरिया, सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया. सो दीज टू टॉपिक्स, नदरन लोलैंड्स एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, दीज थिंग्स वी हैव टू बी डिस्कस. सो होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव वॉच द वीडियो केयरफुली. सो टेक केयर, बाय बाय.